तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा क्यों परेशान है, पता क्यों? क्योंकि दोस्तों इन अकाउंट को बैंकिंग सेक्टर में बोलते हैं घोस्ट अकाउंट। दोस्तों जितना भी फ्रॉड होता है वो यहीं से होता है। जैसे गाइस मान लीजिए फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे रहा हूं और मैं ये अपने ऊपर दे रहा हूं, ठीक है दोस्तों मान लो मैं किसी बैंक का मैनेजर हूं और मुझे पता है कि यार मेरे पास 400 अकाउंट है जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होता है पिछले 8-9 सालों से, ठीक है नहीं होता है। अब दोस्तों मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका ब्लैक मनी मुझे बैंक में डाला है, अब भाई मैं किसी सिंगल अकाउंट डालूंगा तो भाई मैं पकड़ा जाऊंगा या वो पकड़ा जाएगा। दोस्तों क्या होता है, ऐसा होता है कि जो फ्रॉड लोग होते हैं बेटा वही करते हैं, पैसा आएगा दोस्तों तो इन्हीं अकाउंट में डाल देते हैं क्योंकि दोस्तों अकाउंट चल ही रहा है और बैंक को पता है कि भाई पिछले 8 साल से 9 साल से कोई इसमें क्लेम किया नहीं है। तो दोस्तों इन अकाउंट से ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है, इसीलिए दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके लिए कॉन्शियस है कि भाई ये घोस्ट अकाउंट ना हो। तो बेटा इन अकाउंट को दूसरी भाषा में घोस्ट अकाउंट बोलते हैं, भूत ने खोल दिया, पता नहीं किस अकाउंट दोस्तों। हाँ तो ये पॉइंट है गाइस, इसलिए गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इतना परेशान है कि भाई जिनका भी अनक्लेम डिपॉजिट है वो ले अपना पैसा। दोस्तों अब दोस्तों मान लो